और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्तार के शार्प शूटर अंगद राय को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उमेश राय उर्फ गोरा राय को भी इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंगद राय को उमेश राय को दोष मुक्त कर दिया है। बहुचर्चित राजेंद्र राय हत्या कांड में 16 साल से सजा काट रहे थे दोनों ही, उमेश राय और अंगद राय, लेकिन दोनों को दोष मुक्त कर दिया गया है, बड़ी राहत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला अदालत की सुनवाई सजा रद्द की। और इसी पर प्रयागराज से मेरे साथी मोहम्मद मोइन जुट चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ। मोइन, ये तो बड़ी राहत है, उमेश राय और अंगद राय को 16 साल से सजा काट रहे थे लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कह दिया कि आप दोष मुक्त हैं। मोइन, देखिए ये दोनों जो आरोपी थे ये मुख्तार अंसारी के बेहद करीबी थे और खासकर जो अंगद राय है उसे मुख्तार अंसारी का शार्प शूटर कहा जाता था। एक पुराना मामला था जिसमें राजेंद्र राय नाम के एक शख्स की हत्या हुई थी, उस मामले में इन दोनों को दोषी ठहराया गया था। तकरीबन 16 सालों से जो है ये लोग जेल में थे और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब ये मामला आया तो अदालत ने पूरे मामले में सुनवाई की और सुनवाई करने के बाद जो है अपना फैसला सुनाते हुए इन दोनों को बरी कर दिया है। यानी 16 साल के बाद अब ये दोनों जो आरोपी हैं ये जेल से बाहर आ सकेंगे। राजेंद्र राय हत्याकांड में जो है इन दोनों को दोषी करार दिया गया था, सजा सुनाई गई थी, लेकिन 16 साल के बाद इन्हें बड़ी राहत मिली है। हालांकि अंगद राय के खिलाफ पुलिस ने एक एक्शन लिया हुआ है लेकिन इसी बीच उसे राहत मिली है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया है, बरी कर दिया है। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगर कोई दूसरा मामला नहीं होता है तब ये दोनों जो आरोपी है वो जेल से बाहर आ सकेंगे। ठीक है, शुक्रिया मोइन पूरी जानकारी के लिए। गाजियाबाद के नकला गांव में मारपीट की जानकारी है। महिला को ससुराल पक्ष ने जमकर पीटा। थाना भोजपुरा क्षेत्र के गांव नगला बैर का ये मामला जहां पर नगला गांव में मारपीट की जानकारी, तस्वीर भी वहां से आ रही है सामने। महिला को ससुराल पक्ष ने जमकर यहां पर पीटा। अब क्या वजह यहां पर रही मारपीट की ये साफ होनी बाकी है, लेकिन किस तरीके से वहां पर लोग इकट्ठा होकर के ससुराल पक्ष के लोग बताए जा रहे हैं महिला को ससुराल पक्ष के लोगों ने इस तरीके से वहां पर पीटा। ग्रेटर नोएडा से खबर, बिजली विभाग के दफ्तर पर लोगों का हंगामा। बिजली विभाग की लापरवाही पर जमकर हंगामा किया। बिजली की तार गिरने से मवेशी की मौत यहां पर हुई। किसान ने भागकर अपनी जान बचाई और लोग अब गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। बिजली विभाग के ऑफिस पहुंचे और वहां पर इस तरीके से नारेबाजी की हंगामा किया। बिजली विभाग की लापरवाही पर ये नाराज हैं, आक्रोशित हैं और इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए बिजली दफ्तर के बाहर और वहां पर नारेबाजी की। बिजली के तार गिरने से मवेशी की जान यहां पर गई और साथ ही किसान ने भागकर जान बचाई, ये कहा जा रहा है, जिसके बाद से इनका गुस्सा सातवें आसमान पर। तो नारेबाजी किस तरीके से यहाँ पर कर रहे हैं लोग, आप देखिए बिजली विभाग के दफ्तर के बाहर इनकी मौजूदगी है, वहां पर पहुंचे हुए हैं और बिजली विभाग की लापरवाही को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। जय जवान। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।